और अब बात करेंगे दुर्गा पूजा की। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक दुर्गा पूजा पंडाल सजे हुए हैं। पिछले कई दिनों से ये रौनक दिखाई दे रही है। आज दुर्गा महाअष्टमी भी है और दुर्गा महानवमी भी। हम चलते हैं दिल्ली और कोलकाता में अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसी है पंडालों की रौनक। आपको बता दें, कोलकाता से हमारे साथ सौरभ जुड़ रहे हैं और दिल्ली से हमारे साथ प्रेरणा रहेंगी दुर्गा पूजा पंडाल से। सबसे पहले मैं बात करूंगा सौरभ से। सौरभ, आपके पास सबसे पहले आने की वजह यह है कि जब बात होती है दुर्गा पूजा की, जब बात होती है पूजा पंडालों की, तो कोलकाता की बात ही अलग है। पूरे देश में इन पूजा पंडालों की चर्चा होती है और जो रौनक दुर्गा पूजा की वहाँ दिखाई देती है वैसी कहीं नहीं दिखती। इस समय आप कहाँ पर हैं, किस इलाके में मौजूद हैं और बड़ी तस्वीर में दिखाइए हमें दुर्गा पूजा पंडाल की पूरी रौनक। देखिए, सबसे पहले तो एनडीटीवी इंडिया के देश और दुनिया से जुड़ रहे दर्शकों को शारदीय शुभेच्छा, दुर्गा पूजा का शुभेच्छा। और पहले ही मैं आपको दिखा दूं, मैं इस वक्त मुदियाली क्लब पूजा पंडाल में हूं और कोलकाता में दुर्गा पूजा मनाने के जो एक स्पिरिट है वो पूरी तरीके से आपको यहाँ दिखाई देंगे। आप सिर्फ एक तस्वीर देख लीजिए, भीड़ का, बच्चे हैं अपने पिता के कंधों पर दुर्गा पूजा देखने आए हैं और यही भीड़ आप देखिए कहाँ तक जाते हैं। और थोड़ा इनसे बात कर लेंगे, कोथा थे के आश्चर्य पैंडल देखते गुड़िया थे के बच्चा नहीं है, खूब एंजॉय करते की भीषण एंजॉय। तो लोग जरूर दुर्गा पूजा मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुदियाली जो पार्क है, आप थीम देखिए, बहुत ही सुंदर थीम बनाया गया है यहाँ पे। और इसके बारे में बात करने के लिए यहाँ हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुदियाली पैंडल के जो ये है प्रवक्ता है। आप बताइए हमें किस तरीके से ये पंडाल को सजाया गया, क्या थीम है आपकी? पहले आप लोगों को स्वागत है, हम लोग का 90th ईयर ऑफ दुर्गा पूजा है, इसमें आप लोग सबको स्वागत है। हम लोग का जो थीम है वो है त्रिमात्री। अगर आप पंडाल के अंदर में जाएंगे तो देखिएगा, कलकत्ता में ऐसा पंडाल है जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर का बड़ा बड़ा मूर्ति है। उसके संग हम लोग का जो बंगाली में बोलता है शाबे की दुर्गा प्रतिमा, वो भी आप नज़र कर सकते हैं। और वो राजरानी वेश में है। ये सारे चीज़ यहाँ के खास है, क्योंकि इतने आदमी इतने भीड़ करते हैं कि ये मूर्ति और ये पंडाल देखने के लिए आते हैं। और एक थ्री डायमेंशन कॉन्सेप्ट जो आप बाहर में हमारा है, वो जन्म से पुनर्जन्म तक वो 3D कॉन्सेप्ट है। वो जो आप देख रहे हैं ऊपर में, वो 3D कॉन्सेप्ट, वो लाइट और इल्यूशन के माध्यम से हम लोग इसको सबके लिए लाए हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से छोटे छोटे घंटों के साथ ये डेकोरेट किया गया है थीम। और फिर से मैं आपको भीड़ की तस्वीर दिखाऊंगा। कोलकाता और दुर्गा पूजा का एक खास समय है, रिश्ता है। और यही देखिए आप भीड़ यहाँ पे जो है, और दुर्गा पूजा आ रहा हूँ सौरभ आपके पास आ रहा हूँ, आपसे जानूंगा, आपसे जानूंगा कि जब जब दुर्गा पूजा पंडाल हर साल लगते हैं दुर्गा पूजा के मौके पर और उसमें जो अलग अलग थीम होते हैं उसकी चर्चा पूरे शहर में होती है। तो इस बार कौन कौन से ऐसे थीम हैं जो चर्चा का विषय बने हैं आपके पास आके मैं जानूंगा। लेकिन उससे पहले मैं प्रेरणा का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली में भी एक मिनी बंगाल बसता है और वो इलाका है सीआर पार्क का, और मेरी सहयोगी प्रेरणा वहीं पर मौजूद हैं। प्रेरणा, यहाँ की रौनक आप हमें दिखाएं, इस बार क्या खास है यहाँ पर? जी देखिए, मैं इस वक्त सीआर पार्क के सबसे पुराने पूजा पंडाल कालीबाड़ी में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है और लोग यहाँ पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए। और क्योंकि सीआर पार्क, चितरंजन पार्क को मिनी कोलकाता कहा जाता है, तो यहाँ हर कोने पे जो है दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है। और जो लोग हैं अलग अलग जगह से, नोएडा से, दिल्ली से, जो यहाँ बंगालीज हैं वो यहाँ दर्शन करने आए हैं, माता की जो प्रतिमा है उसकी दर्शन करने आए हैं। ऑथेंटिक बंगाली कल्चर यहाँ देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ प्रदीप गांगुली जी मौजूद हैं जो सीआर पार्क के जितने भी पूजा पंडाल है उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि सर क्या कुछ खास है इस बार और क्या पूजा के बारे में। देखिए, पहली बात तो है कि ये पूजा हम हर साल एक थीम पूजा करते हैं। इस साल का थीम है वुमेन एम्पावरमेंट। आप सभी को पता है कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रही है या जिस टाइप का भी एक्ट हुआ रहा है, उसके जागरूकता जगाने के लिए हम इस बार का पूरा पूजा हम महिलाओं को डेडिकेट किए हैं। उसके लिए आप पंडाल का कलर भी देखेंगे कि लाल, रेड एंड वाइट किए हैं। एक शक्ति का प्रतीक, माँ अपने आप ही शक्ति के रूप में है,
हम चाहते हैं कि सब इंसान को महिलाओं के प्रति श्रद्धा, उनके प्रति रेस्पेक्ट, उनका सिक्योरिटी, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए इस बार का मेन पूजा तो है महिलाओं के लिए डेडिकेट किया गया है। उसके अलावा इस यहाँ पर जो किया गया है कि ऑल लोकल पार्टिसिपेशन, जो कल्चरल प्रोग्राम है उसमें भी और बाकी वॉलंटियर में भी महिलाओं का संख्या बहुत ज़्यादा है पहले से, और हर जगह पे हम महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किए हैं। जी आता हूँ प्रेरणा आपके पास, फटाफट मुझे रुख करना होगा कोलकाता का, वहाँ पर सौरभ मौजूद हैं। सौरभ, आपने देखा विमेन एम्पावरमेंट चितरंजन पार्क का थीम है, उसको दर्शाने के लिए वहाँ पर तमाम बंदोबस्त किए गए। मैंने आपसे जो सवाल किया था कि कोलकाता में इस बार किस थीम की सबसे ज़्यादा चर्चा है, यहाँ पर क्या प्रमुख है? देखिए, हजारों पंडाल है कोलकाता में, लेकिन अब मैं आपको बात करूं तो सबसे जो फेमस पंडाल है उसमें से मुदियाली क्लब जरूर एक है। साथ साथ मैं आपको बता दूं चेतला अग्रणी में वाराणसी घाट का एक थीम है, वो भी बहुत भीड़ वहां पे दिखाई दे रहे हैं। लाला बागान नवांकुर में पेड़ों से पंडाल बनाया गया है। जगत मुखर्जी पार्क में कोलकाता मेट्रो और प्लास्टिक पॉल्यूशन के थीम अंडरग्राउंड बनाया गया है। संतोष मित्र स्क्वायर में एले का जो स्फीयर है वो बनाया गया है, और इन सारे पंडालों में आपको बहुत बड़ी मात्रा में संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे देखिए, मैं पिछले एक घंटे से यहाँ पे हूँ और इतना ही भीड़ यहाँ पे है, श्रद्धालुओं की भक्तों की भीड़ जरूर यहाँ पे है, और धूमधाम से हजारों पंडालों में हजारों अनोखी थीम के साथ दुर्गा पूजा जरूर मनाया जा रहा है। देखिए, सौरभ मन तो कर नहीं रहा कि सुंदर नजारे से अपनी दृष्टि हम हटाएं, लेकिन हमारी मजबूरी है, टाइम से बंधे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ये सुंदर और भव्य नजारा दिखाने के लिए। प्रेरणा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें दुर्गा पूजा की रौनक दिखाने के लिए।